हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं अपने ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ दोस्तों पटना एयरपोर्ट का नज़ारा, जो कि वहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छे से उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, नई नई बिल्डिंगें बन रहा है। तो ब्लॉग में बने रहें दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हम जो एयरपोर्ट वाले रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे जो बाएँ साइड में आप बाउंड्री देख रहे हैं दोस्तों, ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है। इसके पीछे जो है दोस्तों वो प्लेन लगी हुई रहती है, और जो है वहीं पे रनवे भी है। और मैं अभी जा रहा हूँ, देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट वाले रास्ते पे। और आज मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरह से नया बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, और अंदर में एक बहुत बड़ा सा फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है दोस्तों, तो कि जो कि गाड़ियाँ जो है, पहले पार्किंग की समस्या जो भी होती थी उसको भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ मैं आज आपको अपने ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इधर का कितना, अभी एयरपोर्ट के ये जो दाहिने साइड वाली रास्ता बाउंड्री देख रहे हैं, ये है चिड़ियाघर वाला बाउंड्री, और ये जो बीच में रोड है ये चली जाती है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से ये बेली रोड निकलती है। तो देख सकते हैं अभी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के गेट पे, और ये गेट पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सामने में ही दिख रहा होगा, ये जो है नया बिल्डिंग बना लिया गया है। ये जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है, इसमें जो गेस्ट रहेंगे या फिर इसमें रूम, ये सब बनाया जाएगा ताकि किसी को ठहरने की व्यवस्था हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेगी। और बहुत ही देखते हैं दोस्तों खूबसूरती से इसका बनाया जा रहा है। ये जो अभी रास्ता है ये अंदर एयरपोर्ट की तरफ जाती है, जहाँ से आप प्लेन पकड़ सकते हैं और प्लेन से उतर के बाहर निकल सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बिल्डिंग अभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। और ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये लोगों को ठहरने के लिए बनाया गया है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको होटल वोटल की समस्या होती है, उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों पुराना जो बिल्डिंग था वो बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया था, और एयरपोर्ट को भी थोड़ा सा मॉडर्न बनाने की कोशिश की जा रही है। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट कैसा होगा और क्या क्या बनेगा इसका। और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए कॉरिडोर भी बनाया गया है, ताकि आप ऊपर से भी आ जा सके। और ये पूरा अंदर जो है वो पूरी अपार्टमेंट टाइप का बनाया जा रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत बन रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार लगता है देखने में, जो कि अभी तो तैयार ही हो रहा है। और इधर आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का इधर का नज़ारा, इधर से पूरी तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया गया है, अब अंदर का कंस्ट्रक्शन करना बाकी है। ये आप देख सकते हैं, बाकी सामने में भी जो है वो अंडरपास बन रहा है, वहाँ पे अंडरग्राउंड जो ये पार्किंग जो ओपन पार्किंग है इसको क्या किया जाए तो अंडरग्राउंड पार्किंग रहेगी, और वहीं पर न्यू जो है जो भी टिकट काउंटर है ये सारे इधर आ जाएंगे। देख सकते हैं ये भी स्ट्रक्चर नीचे का कंप्लीट हो चुका है, और लगता है दोस्तों कि इसे अभी बनने में साल दो साल तो लगेंगे ही, और ये साल दो साल के बाद ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, आप देख सकते हैं जहां से आप प्लेन के लिए बोर्डिंग करवाते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इधर से ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ा बन रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे का जो फ्लोर है वो बन चुका है, ऊपर की ढलाई का काम बाकी है। और इधर देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको, और इधर से देख सकते हैं उधर पेट्रोलियम का है, देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, और पुरानी बिल्डिंगों को जो है पहले वाले थे उसको हटाया जाएगा, और एयरपोर्ट को थोड़ा सा मॉडर्न बनाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम आए थे कुछ पूछने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सामने में बिल्डिंग का नज़ारा कितना शानदार है। और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो है उधर जो पार्किंग होती थी वो पार्किंग अब इधर आ जाएगा जब ये बिल्डिंग बनेगा तो। और अभी हम आ गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये एयरपोर्ट के गेट पे, जहाँ से आप प्लेन पकड़ते हैं या प्लेन से जब उतरते हैं तो बाहर निकलते हैं। और चलिए उससे आगे हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं इधर में भी जो है आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक अंदर जो ग्राउंड बनाया जा रहा है उसमें एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अब जो है गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ से सीधा ऊपर से होते हुए नीचे आएगी, और नीचे से ऊपर जाने के लिए बनाया जा रहा है,
क्योंकि काफ़ी समस्या होता है दोस्तों। और इधर में बहुत सारा ज़मीन जो था वो खाली था और पुराने बिल्डिंगें थे वो जर्जर हो गया था, उसको तोड़ के इसको बनाया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो भी फ्लाईओवर है वो बनके तैयार हो चुका है और इधर भी अभी ज़ोर शोर से पूरा काम चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें और किस चीज़ की और वीडियो बनानी चाहिए, किस तरह का वीडियो आपको पसंद है वो भी मुझे बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।